वेलकम बैक टू ग्लोरियस एम्पलीफिकेशन। कल के वीडियो के बाद एक सवाल जो सबसे ज़्यादा मेरे सामने आया है वो ये है कि सर हम नोट्स कैसे लें और हमारा टाइम टेबल कैसे सेट करें, क्या सारे विषय एक साथ पढ़ें, यानी इस तरह से कि सुबह ये, दोपहर ये, शाम ये, या एक विषय को पूरा करने के बाद हम दूसरे विषय पर जाएं। आपकी इन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो स्ट्रैटेजी आपको शूट करती हो उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोट टेकिंग क्या है। दरअसल नोट्स का मतलब क्या है पहले आपको ये समझना होगा। नोट्स का मतलब ये है कि आप जानकारियों को इतने संक्षिप्त रूप में लें कि सिर्फ उस जानकारी को देखते ही आपको पूरा बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पता चल जाए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। अब आप जब इसको किताब में देखेंगे तो ये काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन हमें उस डिटेल्ड जानकारी की ज़रूरत नहीं है। हमें किन जानकारियों की ज़रूरत है? नंबर एक, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने वाला वर्ष, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू करने के कारण, क्विट इंडिया मूवमेंट के परिणाम या उसका महत्व कह लीजिए, और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घटी महत्वपूर्ण घटनाएं। तो आप देखेंगे कि पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट आपके पांच चरणों में बट गया, पांच शाखाएं उसकी निकल गई। अब आपको इन पांच शाखाओं पर फोकस करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस तरह से नोट्स लेने, आप ऐसा ना करें कि हर पंक्ति को ले लें और उसको नोट के रूप में ले लें, ऐसा नहीं है। नोट लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका है जिसको हम ट्रेडिशनल तरीका कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया, वन लाइनर नोट्स लें। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन है, अब मुझे अगर नोटिंग करनी है तो मैं कैसे करता, मैं आपको बताता हूँ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है। ये मेरी पहली पंक्ति होगी जिसमें तीन सूचनाएं हैं, 1942, महात्मा गांधी और भारत छोड़ो आंदोलन। तो वन लाइनर नोट्स का मतलब होता है कि एक ही पंक्ति में अधिक से अधिक जानकारियों को समाहित करना, ये होते हैं वन लाइनर नोट्स। फिर मैं उसके अंदर लिखूंगा क्विट इंडिया मूवमेंट की प्रगति, महिलाओं का योगदान रहा, गोपनीय रेडियो चलाए गए, ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसे स्वतः स्फूर्त मूवमेंट कहा, स्वयं महात्मा गांधी ने इस समय जो हिंसा हुई उनकी आलोचना नहीं की, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो मैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को लूंगा। सरकार का दमन चक्र, तो वन लाइनर नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक लाइन का नोट्स ले रहे हैं उसमें एक ही सूचना डाल रहे हैं। वन लाइनर नोट्स का मतलब ये होता है कि एक उस वो जो लाइन आपने लिखी उसका हर शब्द किसी एक बिंदु को बताता, यानी एक पंक्ति में जितनी ज़्यादा सूचनाएं आप समाहित कर सकते हैं आपको करनी चाहिए। ये है ट्रेडिशनल तरीका। साइंस जब आगे बढ़ी तो बहुत सारे नए तरीके ईजाद हुए और अभी एक तरीका चलता है, मैं खुद उसे अपनी RAS मुख्य परीक्षा के लिए मैंने फॉलो किया, आपको भी सलाह दे रहा हूँ आप फॉलो कीजिएगा। दूसरा तरीका ये होता है जिसे हम माइंड मैप कहते हैं। माइंड मैप का मतलब ये होता है कि हम एक वाइट शीट लेते हैं, उस वाइट शीट के बीच में हम टॉपिक का नाम लिखते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 1942, मैंने बिल्कुल जैसे ये एक शीट है, आप इसी से समझ लें, ये एक वाइट शीट है। अब मैं यहाँ लिखूंगा भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और इसको इस गोले में बंद कर दूंगा, इसे हम माइंड मैप कहते हैं। अब इससे रिलेटेड जितनी जानकारी है वो मुझे इसी शीट पर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूंगा 1942, देखता हूँ मार्कर चलता है या नहीं, फिलहाल मेरा मार्कर काम नहीं कर रहा है। 1942 महात्मा गांधी द्वारा, फिर मैं यहाँ लिखूंगा इसी में ये पहली शाखा, फिर दूसरी शाखा में लिखूंगा स्वतः स्फूर्त आंदोलन, फिर तीसरी पंक्ति में लिखूंगा व्यापक हिंसा, लेकिन महात्मा गांधी द्वारा इस बार हिंसा की आलोचना नहीं की गई, और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के लिए कहा था कि सरकारी दमन के विरुद्ध होने वाली स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। फिर उसके बाद में मैं आगे जाऊंगा सरकारी दमन चक्र, और सरकारी दमन चक्र में आप अच्छी तरह जानते हैं क्या क्या चीज़ें आती है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप बता सकते हैं अरेस्ट हुए, नज़रबंद किया गया, जेलों में ठूंस दिया गया। यहाँ दो तीन ऐसे बड़े बड़े नेताओं के आपको नाम बताने होंगे कि जिन्हें पहले अरेस्ट करके इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की गई। फिर आप थोड़ा और आगे चलेंगे और इधर आप बाकी चीज़ें देंगे, जैसे आप ये लिखेंगे कि इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो चलाए गए, रेडियो से क्रांतिकारियों ने अपने मैसेजेस आगे पहुंचाए। तो मकसद कहने का सिर्फ इतना है कि आप एक शीट के ऊपर सारी सूचनाएं लें और वो इस तरह से लें कि सारी सूचनाएं एक ही नज़र में आपको दिख जाए, ये कहलाता है माइंड मैप।
इसे बनाने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन माइंड मैप का रिवीजन करना बड़ा आसान है। एक साथी ने मुझसे कमेंट में सवाल पूछा कि सर आप कहते हैं कि रटना नहीं, याद भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ लीजिए, तो क्या पढ़ने से याद हो जाएगा? मैं अपने उस भाई को कह रहा हूँ कि देखिए, अखबार भी आप पढ़ते हैं, आप उन अखबारों को रटते नहीं हैं, और चूंकि ये आपकी ऑब्जेक्टिव परीक्षा है तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा में प्रश्न के साथ चार उत्तर भी दिए होंगे जिसमें से एक सही है, आपको सिर्फ सही का चुनाव करना है। तो जिस तरह हम लोगों की शक्ल देखकर उन्हें पहचानते हैं, वैसे ही आपको भी उन चारों उत्तरों को देखकर पहचानना है कि सही कौन सा है। तो सलाह यही है कि आप रटें नहीं, बस आप रिवीजन करें, बस पढ़ते रहें, 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 15 बार 20 बार। ये हो गई आपकी नोट मेकिंग। दोनों तरीके हैं, वन लाइनर नोट्स, शर्त यह है वन लाइनर नोट की कि वन लाइनर नोट्स के अंदर एक ही पंक्ति में आपको अधिकाधिक सूचना देने का प्रयास करना है। और दूसरा है माइंड मैप, इसका नियम यह है कि एक ही शीट पर तमाम चीज़ें आ जानी चाहिए। इसी तरीके से जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे सामाजिक विज्ञान में, अब आप देखेंगे भूगोल, भूगोल के अंदर आप आएंगे और भूगोल में जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है पृथ्वी का सामान्य परिचय, तो आप यहाँ टॉपिक लिखेंगे पृथ्वी का सामान्य परिचय और उसकी कितनी शाखाएं बनती है, उन सारी शाखाओं को आप एक कागज़ पे ले लेंगे। इसके लिए आप रजिस्टर का पेज यूज़ न करें, A4 साइज़ का जो ड्राइंग शीट आती है वो ज़्यादा बेटर है, वो यूज़ करें या A4 साइज़ का कागज़ यूज़ करें। ये है आपका दूसरा तरीका, उम्मीद है नोट मेकिंग सरल हो गई होगी। अब तीसरा सवाल ये था कि नोट्स बनाएं कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, छठी कक्षा की सामाजिक लीजिए, इतिहास को चुनिए, छठी सातवीं आठवीं तीनों की इतिहास की किताबें इकट्ठी कीजिए, इन इतिहास की किताबों को पहले उतारिए, फिर राजनीति की किताबें इकट्ठी कीजिए, राजनीति की किताबें इकट्ठी कीजिए और राजनीति के तीनों कक्षाओं के नोट्स उतारिए। उसके बाद अब जब आप थोड़ा आगे जाएंगे राजनीति हो जाएगी, इतिहास हो जाएगी, सेम प्रोसेस आपको ज्योग्राफी के साथ करना है। इस तरह से आपके ये तीनों हो जाएंगे। जब छठी सातवीं आठवीं की ये तीनों किताबें आपकी पूरी हो जाए तो आप मान लीजिए कि आपका 75% सिलेबस पूरा हो गया रिट सामाजिक विज्ञान का। अब हमें क्या करना है कि छठी सातवीं आठवीं का ये हम लिख चुके, लिखने का, और इसमें आपको एक महीना लगेगा मैक्सिमम, अधिकतम और मिनिमम तो मैं कहूँगा 15 दिन में भी आप लिख सकते हैं अगर आप मन में ठान लें। फिर जब ये आप लिख लें उसके बाद आप टारगेट ये करें कि अब मुझे इन नोट्स को पढ़ते भी रहना है और 9th-10th के लिखने भी हैं। एक साथ सारे विषय करने की गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपका जो स्पैन ऑफ अटेंशन है, ध्यान का दायरा, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा और ब्रेन आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा, चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी। तो छठी सातवीं आठवीं पूरा हो गया, अब आप इन नोट्स को रखिए। कोशिश कीजिए कि कोई एक घंटा ऐसा दिन का आप चुनें। दिन का चुनने का मतलब ये नहीं है कि 7 बजे चुन लें, पूरे दिन में जब भी आप रिलैक्स महसूस करें उस समय आप वो एक घंटा चुन लें और उनको सिर्फ पढ़ें, याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पहली रीडिंग करेंगे तो 10% आपको याद हो जाएंगे और जब तीसरी रीडिंग पूरी करेंगे उस समय तक 90% कंटेंट आपको याद हो चुका होगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप इस प्रोसेस को करके देखिए। फिर आप आगे बढ़िए, इधर आपका रिवीजन चल ही रहा है, अब आप 9th और 10th को लीजिए। अभी तक आपको मनोविज्ञान, अंग्रेजी को छूने की ज़रूरत नहीं है। 9th-10th के अंदर हिस्ट्री, राजनीति, भूगोल और अर्थशास्त्र एक अलग किताब है, वो भी आप ले लीजिए और इन चारों के नोट्स बनाइए। अभी सामाजिक का काम आपका पूरा नहीं हुआ है। जब ये नोट्स बन जाएं तो इन 9वीं-10वीं को भी एक अलग घंटा दीजिए। तरीका ये है, छठी सातवीं आठवीं के लिए कोई एक घंटा आपने रिजर्व किया है, दैट्स ओके, वो चल ही रहा है, उसको कहीं ब्रेक नहीं करना है। फिर 9th-10th का जब रिटर्न काम हो जाए, एक घंटा इसके लिए रिजर्व कर दो नोट्स बनने के बाद, वो एक घंटा सिर्फ इन्हीं को रिवाइज आपको करना है। तो इस तरह से छठी से दसवीं तक आपके हो गया। लेकिन एक मेजर चीज़ अभी बाकी रह गई है जिसको आपको लास्ट में करना है। लास्ट में इसलिए करना है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं चाहता हूँ कि उसको आप इस तरह से करें कि लिखना और याद करना साथ साथ हो जाए। अब आपके बचेगा राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन के लिए आप फिर छठी कक्षा में जाएं, इस बार बहुत अच्छी किताबें लगाई है, उन किताबों को देखें, छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं एक साथ कर लें। राजस्थान अध्ययन की कॉपी आप अलग बनाएं। अब आपके पास 3 ध्रुव हो गए, छठी से आठवीं, नवीं दसवीं और राजस्थान अध्ययन, और आपको तीनों को सेपरेट समय देना है एक ही दिन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हूँ तो मैं एक काम करूँगा, मॉर्निंग के अंदर राजस्थान अध्ययन देख लूँगा, दोपहर में आऊँगा तो ये दूसरी चीज़ें, एक घंटा निकालना है, 2 बजे निकाल लूँगा, और शाम को फिर 9th-10th को देख लूँगा। एक बार अपनी लाइफ को इस तरह से आप शेड्यूलाइज कीजिए। अब आपके बचता है शिक्षा, शिक्षण विधियाँ, ठीक है, या जिसको आप शिक्षा शास्त्र कहते हैं, और बाल विकास।
बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंदर मैं आपको बता चुका कि 12 और 18 का वेटेज चलेगा आपके। आप कोशिश कीजिए कि वो जो 12 नंबर वाले हैं उनको अच्छी तरह से आप कर लें। इसमें आपकी स्कोरिंग 25 प्लस चाहिए। सेम स्ट्रेटजी इसके साथ भी है। अब आप पेडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट इन दोनों को एक साथ लीजिए और जो सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार आप उसको नोट्स उतारिए। मैं जानता हूँ आपको इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दिन के 3 घंटे तो आप 3 चीज़ों को दे चुके हैं, 6ठी से 8वीं, 9वीं 10वीं और राजस्थान अध्ययन, यानी 3 घंटे तो आपके जा चुके हैं। जो 14 घंटे आपके पास 10 घंटों के बाद बचते हैं, 24 में से 10 घंटे आपके खाने पीने नहाने धोने के, अब 14 घंटे बचे, उस 14 घंटे में से ये समय आपका 3 घंटे जा चुका है। अब हमें क्या करना है, इन 3 घंटों के बाद जो नेक्स्ट हमारा समय बचता है उसके अंदर आप मनोविज्ञान यानी शिक्षा शास्त्र और बाल विकास इनके भी नोट्स एक एक करके उतारें। जब ये नोट्स अच्छी तरह से आप उतार लेंगे उसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। भाषाओं को हमेशा अंत में देखना चाहिए, ये मेरी सलाह है। यदि आपको शूट नहीं करता है तो आप इसे नहीं भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। भाषाओं के अंदर नोट्स तैयार करने की आपको ज़रूरत महसूस नहीं होगी, आप कोई भी पुस्तक लाकर पढ़ सकते हैं। और अगर आप राजस्थान की किताबें पढ़ते हैं 6ठी से लेकर 8वीं तक की, हर किताब के पीछे चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेज़ी हो ग्रामर भी दी हुई है और साहित्यिक जानकारी भी दी गई है, आपके लिए वो पर्याप्त है, उसके बाहर प्रश्न नहीं आने वाला है। इस पूरी प्रोसेस में यानी 6ठी से 8वीं की नोटिंग, 9th और 10th की नोटिंग और मनोविज्ञान की मनोविज्ञान हिंदी और अंग्रेजी की नोटिंग, इन सब की नोट टेकिंग में आप मानकर चलिए कि आपके कम से कम 45 दिन जाएंगे। लेकिन अगर आप 6ठी से 8वीं की नोटिंग बहुत तेज़ी से कर देते हैं, मान लीजिए शुरू के 15 दिन में ही आप इसको निपटा देते हैं, तो अब रिवीजन भी तो साथ साथ चलेगा इसका। इस तरह से आपको अपनी रणनीति बनानी है, यह है आपकी नोट टेकिंग स्ट्रैटेजी। तो आज हमने नोट्स बनाने कैसे वो समझ लिया है, नोट्स बनाने की रणनीति क्या है वो समझ लिया है, समय को कैसे बांटे और फिर उन नोट्स को पढ़ना कैसे ये भी हमने देख लिया है। टाइम मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है तो आप अपने हिसाब से सोचिए। देखिए हर व्यक्ति यूनिक है, हर व्यक्ति अलग है, अपने हिसाब से उसको सोचना होगा। यहाँ एक खास बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो आप अपनी रणनीति के हिसाब से चल रहे हैं जो आपको शूट होती है और उसमें कहीं आपको नुकसान हो सकता है, ऐसा कदापि नहीं होने वाला है। आपको जो बेहतर लगता है, जो बेहतर महसूस होता है, उस काम को आप कीजिए। और आप, और हाँ एक महत्वपूर्ण बात मैं भूल गया, देखिए NCERT बनाम RBSC का मामला अभी भी चल रहा है, कन्फ्यूज़ हैं काफ़ी लोग कि क्या करें। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा उसके साथ ही सिलेबस भी जारी हो जाएगा कि वास्तविक सिलेबस क्या है, उसी समय पता चलने वाला है। लेकिन तथ्य ये भी है कि जो किताबें प्रचलन में होती है पेपर उन्हीं में से बनता है, तो राजस्थान बोर्ड में इस बार NCERT की किताबें अगर प्रचलन में है तो आपके जितने भी प्रश्न बनने हैं, पेपर बनना है, वो NCERT की किताबों से ही बनेगा। आप अपनी NCERT की किताबों को रिट के उस सिलेबस से मिलाने की गलती ना करें जो आपके पास मौजूद है। ये किताबें पूरी तरह से सिलेबस ही है, सिलेबस इनमें से आएगा, ठीक है, ये सिलेबस में से नहीं निकलेगी, तो आपको ये किताबें पूरी पढ़नी है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट आता है, निसंकोच आप मुझसे संपर्क कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है, अपने कमेंट कीजिए। जय हिंद।